जुम्मे की नमाज पर प्रशासन का अलर्ट। ज्ञानवापी फैसले को लेकर पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि जब से ये फैसला आया है तब से मुस्लिम समुदाय नाखुश है। बनारस में मुस्लिम समुदाय ने सर्वप्रथम बंदी का ऐलान किया है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है। इसी को लेकर आज इटावा जनपद की पुलिस प्रशासन में जिला प्रशासन की आला अधिकारी पूरे शहर में फ्लैग मार्च विकस्त कर रही हैं और शहर की सुरक्षा व्यवस्थाओं का पूर्ण रूप से जायजा भी लिया जा रहा है। लेकिन इटावा जिलाधिकारी अविनीश राय ने बताया कि आज ज्ञानवापी मामले को लेकर पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी है, जिसको लेकर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया जा रहा है। फिलहाल इटावा में शांति भंग की सूचना नहीं है। इटावा जनपद में पूरी तरीके से शांति व्यवस्था बनी हुई है और हम लोगों का ग्रस्त आज दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज के समय तक रहेगी। आने वाले समय में देखिए कई परीक्षाएं लाइन अप हैं, पुलिस भर्ती परीक्षा भी है, पीटी की परीक्षा भी है, उसके बाद अभी हाल ही में ज्ञानवापी के विषय में भी माननीय न्यायालय का एक निर्देश प्राप्त हुआ है। आज फ्राइडे का दिन है, बड़ी संख्या में नमाज पढ़ने के लिए भी लोग आते हैं, तो इन सभी चीज़ों के दृष्टिगत हम लोगों ने भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में निरीक्षण करने के लिए एसएसपी साहब और पुलिस की टीम और पूरे प्रशासन की टीम जो है वो शहर में है, ड्रोन के माध्यम से और बाकी चीज़ों से निगरानी की जा रही है, जिससे शांति व्यवस्था को बनाए रखने में हम लोगों को सहायता हो। साथ ही नगरवासियों से भी हम लोग ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करना चाहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है और शांतिपूर्वक सारी जो भी आने वाली इवेंट्स हैं वो निपटाई जाएंगी। तो इसी क्रम में हम लोगों ने आज रेलवे स्टेशन, पुलिस, ये आपका बस स्टेशन, हमारा जो इम्पोर्टेंट चौराहे हैं शास्त्री चौराहा और जो मुख्य मार्ग है उनका भ्रमण करके उनका निरीक्षण किया है और सभी व्यवस्थाएं जो हैं वो चाक चौबंद है और आगे भी कोई समस्या इसमें नहीं होगी। यहाँ पर कोई बंदी का ऐलान नहीं है, सारे मार्केट्स खुले हुए हैं, सभी और पुलिस और प्रशासन के लोग भ्रमण कर रहे हैं, सब जगह पूरी तरह से शांति है और आगे भी यहाँ नगरवासियों के सहयोग से और जनपदवासियों के सहयोग से पूरी तरह से शांति रहेगी।